Assalamualaikum. चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं चिकन बटरी कबाब या फिर चिकन मलाई कबाब भी कह सकते हैं, तो वो आप देखें किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके के क्यूब वाला आधा किलो चिकन ले लिया है, हमने इसे धो लिया है। पूरे बड़े बड़े पीस थे, हमने इतने बड़े बड़े पीस कर लिया है। तो हम ये ले लेते हैं फूड प्रोसेसर, हम इसमें ये डालते रहेंगे, इंग्रेडिएंट आपको दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यही डाल देते हैं इसके अंदर। चिकन डालने के बाद हम इसमें डालते हैं एक बड़े साइज की प्याज जो हमने मोटी मोटी कट की हुई है, और दो हरी मिर्च हैं जो कम तीखी होती हैं वो हमने ली हैं। 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है, हल्का सा रोस्ट कर लिया है। उसकी जगह आप भुने और पिसे चने ले सकते हैं इतनी ही क्वांटिटी में। 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा, 2 टीस्पून हमने फूटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ही हमने ये पिसी हुई खटाई ली है। होममेड है हमारी, आप मार्केट की ले सकते हैं। वहीं हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डाला है ताकि बढ़िया सा कलर आए। और हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। आप चाहें तो इसके अंदर हमारा तंदूरी मसाला है, सीख कबाब मसाले के नाम से हमारे मसाले डले हुए हैं समीनाज किचन टिप्स पे, चपली कबाब मसाला है, उसके अंदर सिर्फ नमक मिर्च थोड़े से ऐड कीजिए और लहसुन अदरक ऐड कीजिए और आप उससे तैयार कर सकते हैं कबाब। लेकिन हमें याद है कि जिन लोगों ने अभी मसाला नहीं बनाया है तो उनके लिए आप इस तरीके से मसाले डालें और इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस हम इसको लगाते हैं और घुमाते हैं और दिखाते हैं हम ये आपको पीस कर। नींबू और डालना है इसमें, एक इसको पीस लेते हैं। जैसे ही ये महीन हो जाएगा हम इसमें एक नींबू का रस और 2 मुट्ठी हरा धनिया बाद में डालेंगे। हमें ये कीमा ऐसा ही चाहिए था, हमने ये निकाल लिया है। बस ये बिल्कुल तैयार है, मिक्स भी हुआ हुआ है। अब इसके बनाते हैं कबाब, दिखाते हैं आपको। ये देखें, हमने इसको फ्रिज में ढक के छोड़ दिया था, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। हल्का हल्का सा यूं मिक्स कर लें इसको, आपके पास वक्त है आप इसे छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। इससे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिक्स हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखें हमारे पास ये स्कीवर है, हमने इसको पानी में डाल के छोड़ा हुआ है। और इस तरीके का फ्लैट तवा लेते हैं हम जब भी बनाते हैं, आपने हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बस इस पे यूं रख के हम सेक देते हैं और ये सिक जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक अलग तरीका बता रहे हैं, क्योंकि हमारी कोरमा हो बिरयानी हो, आप नाम पढ़ के टाइटल से सोच सकते हैं कि ये तो इनकी रेसिपी डली हुई है, लेकिन जब आप अंदर देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनमें फ़र्क होगा। एक सी तो हम कभी भी डालना खुद भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर से देखें। तो ये हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। हम क्या करते हैं, ये स्कीवर के ऊपर नहीं बनाएंगे, ये हमारे पास सलाई है जिसमें हमने अपना चिकन टिक्का या फिश टिक्का जो बारबेक्यू पे सेका है। तो ये ज़रा सा पानी हम यूं करके हाथ में लगाएंगे। आज हमने थोड़ा सा बड़ा भी लिया है ये कोफ्ता, क्योंकि हम थोड़े से बड़े बनाने वाले हैं। तो हम इसको यूँ बढ़ाते हैं और यूँ बढ़ाने के बाद ये ले लेते हैं, स्टील की सलाई है ये हमारी, हमने इस पर यूँ करके पानी लगा लिया। पानी का कपड़ा भी लगा सकते हैं आप। तो हम ये इसके ऊपर बढ़ाते हैं यूं करके और दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। हमने अपना कबाब तैयार कर लिया है, जो हम साइज में इतना बनाते हैं उस साथ थोड़ा बड़ा बनाया है। ये कोने से हटके बनाना है, यहाँ पर भी इस तरीके का होना चाहिए खुला हुआ। अब कबाब तैयार हो गया है, अब हल्का सा पानी यहाँ आगे लगाते हैं और हम ये कबाब अपना निकाल देते हैं। लंबा का लंबा ही निकालना है, यहाँ से यूं करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से हम ये यूं निकाल लेते हैं। ये इसमें बीच में होल बन गया, ये दिखाते हैं आपको कि हम ये ऐसे क्यों बना रहे हैं। तो हम ऐसे बना लेते हैं कम से कम 6। ये देखें, हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया है और बस जैसा हमने और अपने कबाब ये रखे हुए, ये हमने निकाल लिए हैं 5 से 6 कबाब। बस इसको हम बड़े ध्यान से निकालते हैं, आप देखेंगे जितना आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं। यूँ थोड़ा सा ध्यान से ऐसा करते हुए इसका शेप ख़राब ना हो, और बस ये आराम से निकाल लिया। आज हम ये अलग तरीके से बना रहे हैं, तो हम करते हैं इसको डीप फ्राई। जो तैयार हैं हमारे कबाब वो आराम से यूँ
इधर को पिसला पिसला के यूं लाएंगे और बस यूं पकड़ेंगे और आराम से छोड़ देंगे। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने ये सीख पर तैयार क्यों किए, सीख पर इसलिए तैयार किए कि इसके अंदर का कीमा हमारा कच्चा ना रह जाए, अंदर भी इसके ऑयल जाके ये आराम से सीख पाए। पहले तीन ही सेक लेते हैं जो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये देखें कितने बढ़िया कबाब सीख के तैयार हो रहे हैं। ये थोड़ा सा और डार्क कलर करते हैं इनका। इन्हें सीखते हुए हो गए हैं 6 मिनट, 1 से 1.5 मिनट और सेकते हैं मीडियम फ्लेम। बस इनका कलर हमें ऐसा ही चाहिए, इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं हम साइड। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें से और कबाब उठाएंगे। डाले हुए बड़ा ध्यान रखें, 2 मिनट के बाद सिर्फ हल्का सा यूं इन्हें अलग अलग करना है आपको, जब तक इनका कलर ना बदल जाए, जब तक आप इसको एकदम से नहीं चलाएंगे क्योंकि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो हल्का हल्का सा ये देखें ऐसा कलर, मैं आपको एक निकाल कर भी दिखाती हूँ। इस तरीके का व्हाइट है इधर से, जिधर से कच्चा है, जिधर से हल्का सा सीख गया है उधर से हल्का सा गोल्डन है। तो बस यूं आगे पीछे करना है बहुत ध्यान से 2 से 2.5 मिनट के बाद। जो हमारे कबाब हैं ये भी सीखने वाले हैं, आप इनका कलर देखें, इनमें 1-1.5 मिनट है। इतना हम आपको बता दें कि हम इन्हें क्रीमी बनाने वाले हैं, बटरी बनाने वाले हैं। उसके लिए ये जो हमारे सीखे हुए कबाब हैं ये हल्के से ठंडे हो गए हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसमें से इस तरीके से 2 पीस कर लेते हैं, तीनों में से कर लेते हैं 2-2 पीस। इसे भी 2 पीस कर देते हैं, तीनों को कर देते हैं इसी तरीके से। इन्हें हम दोबारा सेकेंगे सिर्फ इसलिए कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाते हैं और बस इन्हें निकालते हैं। बस हम ये अब सब निकाल लेते हैं। ये बहुत गर्म है, इन्हें यहाँ रख देते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं और हम डालते हैं इसके अंदर ये बटर। मेल्टेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। हम ये 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें बटर डाल देते हैं। एकदम गर्म है हमारे कबाब, वहीं हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटी सी चुटकी गरम मसाले की और 2 चुटकी डालते हैं इसमें हम ये चाट मसाला। पहले इसको एकदम से मिक्स करते हैं। बस हल्का सा बटर जैसे ही हमारा पिघला है इस पर हम डाल देते हैं फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बस उसको पैकेट को हल्का सा हिलाना है और ये डाल देना है और आपके ये बटरी एंड मलाई कबाब तैयार हो गए हैं। तो आप ये इस तरीके से तैयार करें, तो इसमें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से आप ये सब तैयार करें, ये बहुत जायकेमंद होता है। आप ये इस तरीके से तैयार करें, ये खाने में बहुत लाजवाब होता है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और ये चिकन का कीमा ही इतनी जल्दी से पक सकता है, तो हो सके तो चिकन के ही कीमे में बनाएं। और ये वाले जो हैं आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, रोटी चपाती या फिर रोल के साथ भी खा सकते हैं। और इसको इस तरीके से पूरे तैयार करके आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, और तवे पर सेकने वाली हमारी कई वीडियो डली हुई हैं, जिसे आप फ्रोजन फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रोजन भी नाम से वो है। आप उसे ज़रूर देखें, ज़रूर से ट्राई करें, तो ज़रूर बनाएं। ये डिश बहुत आसान है बनाने में और खाने में लाजवाब है। डिश को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।